ये प्लांट है दोस्तों अरनिका, और पहले भी इसका वीडियो बना चुका हूँ मैं, देख सकते हैं, लिंक में देने की कोशिश करूँगा। यहाँ कुछ अनवांटेड ब्रांचें ग्रो हुई है जिसको हमें निकाल ही देना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये सकर ब्रांच है जिसको हमें निकालना पड़ेगा। अभी कुछ थोड़ा ही निकालते हैं, बाद में सोचते हैं। अब यहाँ एक अनवांटेड ब्रांच है, तो इस तरह अगर ब्रांच ग्रो हो जाती है तो हमारी जो डिज़ायर ब्रांच हैं वो ग्रो हो नहीं पाती, वो एक जैसा ही लगता है, रिपीटेशन लगता होगा आप लोगों को, बट बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जो कि हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये प्लांट ऐसे ही पड़ा है 2 सालों से, तो सोच रहा हूँ आज उसका रिपोर्ट कर दे किसी फाइनल पॉट में। तो चलिए कैसे लगेगा उसके लिए तो बना रहना होगा फाइनल पॉट में, क्योंकि स्पेशल टाइप का फाइनल पॉट मैंने इसके लिए डिसाइड किया है जो आप सोच भी नहीं सकते। तो बने रहे हमारे साथ, इन दोनों ब्रांचों के साथ कुछ तो करना पड़ेगा। तो ये स्पेशल पॉट में ही है, बट ये बहुत ही छोटा पड़ रहा है ऐसा लग रहा है। तो चलिए उसको इसमें से निकालें और हम उसको एक दूसरे पॉट में रखते हैं। इस प्लांट को हम लगाने वाले हैं इस पॉट में, यानी ये स्टोन का पॉट है और ये पीछे का पार्ट है, फ्रंट पार्ट इस तरह है। यहाँ अपने आप मॉस भी फॉर्म हुई है, देखिए यहाँ से होलो है, तो यहाँ कुछ क्रिएट भी कर सकते हैं। ये स्टेबल नहीं रह रहा है क्योंकि इसको जगह ज़्यादा चाहिए, अनइवन शेप में है। तो यहाँ मैं प्लांट को पॉट करने वाला, यहाँ बहुत ही बढ़िया टेक्सचर है ये, तो इसकी वजह से ये प्लांट बढ़िया लगना चाहिए। चलिए प्लांट को अलग कर लेता हूँ। बहुत ही कम सोइल में सेट था ये प्लांट, तो मुझे इसको इमिडिएटली जैसे, तो इस स्टोन के पॉट से पूरा टर्न टेबल बर्बाद हुआ है, कुछ और जुगाड़ करना पड़ेगा। तो चलिए सोइल मिक्स देते हैं। तो अब हो रहा है ग्राउंड कवरिंग दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, ये पूरा गिर पड़ा था ये प्लांट के साथ पॉट नीचे, तो हमारा जो टर्न टेबल था वो भी टूटा है, तो कुछ और जुगाड़ करेंगे। तो अब ये बहुत ही बढ़िया सा प्लांट लगेगा इस तरह से लगाने के बाद, और उसको ज़्यादा रिपोर्टिंग मैं नहीं करता क्योंकि उसको ज़्यादा छेड़छाड़ पसंद नहीं है। अब मौसम अच्छा है तो मैं कर रहा हूँ, ये जम जाना चाहिए। दोस्तों कैसा लग रहा है ज़रूर बताइए। ग्राउंड कवरिंग हो गया है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मुझे ही बोलना पड़ेगा, चलिए पसंद है मुझे। प्लांट में कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं किया है हमने, एक डेड वुड है जो कि पीछे की तरह अनबैलेंस कर रहा है, उसके बारे में भी सोचेंगे बाद में, उसको थोड़ा सेटल होने देंगे। और देखिए इसकी ब्यूटी, ग्रीनरी, और ये पॉट, ये अपने आप ग्रो हुई है मॉस, तो उसको एक ट्रे में रखेंगे, अपने आप वाटरिंग करता रहेगा। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग अगेन, मिलते रहेंगे ऐसे ही।